रक्षाबंधन पर दीदी के घर जाना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारा तो मेकअप ही खत्म नहीं होता है, पता नहीं कौन सी पार्टी में जा रही हो। रक्षाबंधन पर ही तो जा रहे हैं, तुम तो देर पर देर किए जा रही हो। ये सुनकर निशा गुस्सा हो गई। मैं तुम्हारी दीदी की तरह गवार नहीं हूँ, मैं अच्छे से तैयार होकर ही जाना पसंद करती हूँ। तुम में जरा भी तमीज नहीं है, मम्मी के ना रहने पर दीदी ने ही मेरी देखभाल की है और वो मेरी माँ के समान है। मैं उनके लिए कुछ बुरा नहीं सुन सकता, वो बेहद सादगी और शालीनता से रहती है। वरुण भी चिल्ला पड़ा। तभी दोनों के बच्चे पिंकी और चीकू सब सुन रहे थे, उन्हें देखकर दोनों चुप हो गए। निशा और वरुण कुछ शांत हुए। फिर वरुण ने पूछा, दीदी को राखी का उपहार क्या देंगे? तुम्हारी दीदी को तो कुछ भी दे देंगे, जो भी देते हैं पहन लेती है। वो तुम्हारी बुआ ने मुझे मुंह दिखाए पर जो बेकार सी साड़ी दी थी वही रख ली है। दीदी की खुद की कोई पसंद तो है नहीं, कुछ भी दे दो वो पहन लेती है, उनको देने के लिए क्या सोचना। निशा हर बार ऐसे ही करती है, जो भी आए गए कपड़े आते हैं जो उसे पसंद नहीं हो वो ही सुषमा दीदी को राखी के उपहार में दे देती है। वरुण कुछ देना भी चाहता है तो महंगाई और खर्च गिना देती है, गुस्सा करके लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और सुषमा दीदी के यहाँ जाने से भी मना कर देती है। घर में शांति रहे और सुषमा दीदी के हाथ से राखी बन जाए इसलिए वरुण चुप रहता है। वो कई बार चोरी छिपे देने की कोशिश भी करता है पर सुषमा ये कहकर मना कर देती है कि निशा तेरे घर की लक्ष्मी है, तेरी कमाई पर उसका पहला हक है, निशा से छुप कर मैं एक रुपया भी नहीं लूंगी। निशा मुझे जब अपने हाथ से देंगी तो ज्यादा खुशी होंगी मुझे। इस वजह से वरुण मन महसूस कर रह जाता है। सुषमा दीदी वरुण से 5 साल बड़ी है। जब वरुण 10 साल का था तो दोनों की माँ की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कुछ महीनों में दोनों संभले थे और जीवन पटरी पर चलने लगा था। सुषमा ने एक माँ की तरह वरुण को संभाला और उसकी देखभाल की। वरुण की पढ़ाई चल रही थी और इधर सुषमा की बीए हो गई थी। माँ के जाने के बाद पिताजी बीमार रहने लगे थे। जाने से पहले वो सुषमा की शादी कर देना चाहते थे। उसी शहर में गोपाल को पसंद किया और सुषमा की शादी हो गई। विदाई में वरुण फूट फूट कर रोया था। उसकी माँ समान बहन आज उसे छोड़कर जो जा रही थी। एक दिन रात को पिताजी सोए तो सुबह उठे ही नहीं। अकेले वरुण को दीदी ने संभाला। अब अकेले वरुण को घर में अच्छा नहीं लगता था, वो जब चाहे दीदी के यहाँ रहने चला जाता। सुषमा उसके पसंद का खाना बनाकर खिला देती। वरुण की पढ़ाई 2 साल की बची थी, उसका खर्च भी सुषमा और गोपाल ने उठाया। उनकी मेहनत रंग लाई और वरुण की 2 साल बाद अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। अब सुषमा को उसकी शादी की जल्दी थी। वरुण ने पढ़ाई के खर्च के पैसे लौटाने चाहा पर सुषमा ने लेने से मना कर दिया और बोली, अभी तुझे शादी करनी है, घर बसाना है, उसमें बहुत पैसा लगेगा। जब तेरे जीजाजी को जरूरत होगी तब वो खुद ले लेंगे तुझसे। वरुण की शादी निशा से हो गई। निशा को सुषमा का आना अच्छा नहीं लगता था। खाना बनाने और घर संभालने में निशा की जरा भी रुचि नहीं थी। वो हर वक्त इसी कोशिश में रहती थी कि किसी भी तरह घर में सुषमा दीदी का आना बंद हो जाए। निशा द्वारा मान सम्मान नहीं मिलता तो सुषमा ने खुद वरुण के घर जाना कम कर दिया और वो बस राखी पर दोनों को बुला लेती थी। वरुण कई बार निशा को कहता कि दीदी के बहुत एहसान है उनके ऊपर, पर निशा कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। हर वक्त सुषमा में दोषी निकालती रहती थी। निशा ने थोड़े ही दिनों में EMI पर सामान लेकर घर में नया सामान बसा लिया। वरुण की काफी सैलरी EMI को भरने में निकल जाती पर निशा दिखावे की जिंदगी जीती थी। दोनों की जिंदगी EMI पर ही चल रही थी। अब चलिए, वरुण को निशा ने झकझोरा। वो पुरानी यादों से बाहर आया। वरुण बच्चों समेत सुषमा दीदी के घर पहुंचा। सुषमा बहुत खुश हो गई। निशा दीदी के घर पहुंचकर बस नाक मुंह चढ़ाती रहती है क्योंकि सुषमा दीदी के घर में भौतिक सुविधाएं नहीं थी।
कमरे में एसी नहीं था, वहां बैठकर निशा का दम घुट रहा था। वो रसोई में जाकर भी मदद नहीं करती थी, बस अजनबी मेहमान की तरह जाती और सारी औपचारिकताएं पूरी करती, ना दीदी का हाल पूछती और ना ही उनके दोनों बच्चों का। अपने ही रूप और दौलत के अहंकार में डूबी निशा जब भी सुषमा दीदी से मिलती उनका दिल ही दुखाती रहती। सुषमा दीदी के पति गोपाल की किराने की ठीक ठाक दुकान थी, घर खर्च अच्छे से चल जाता था। राखी पर निशा जो भी उपहार देती सुषमा उसे बड़े प्यार से रख लेती थी। एक बार वरुण की कंपनी को घाटा लग गया, ऊंचे पद पर बैठे अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई। इसी के चपेट में वरुण भी आ गया, लोन पर घर का सामान ले रखा था, बड़ा टीवी, महंगी कार, सोफा सेट और भी घर का सजावटी सामान। धीरे धीरे करके 3 महीने निकल गए, घर खर्च निकलना मुश्किल हो गया। जितनी भी सेविंग थी वो ईएमआई में चली जाती थी, नए घर का लोन चुकाना भी मुश्किल हो रहा था। वरुण सुषमा दीदी से फोन पर तो हंसकर बात करता था, सुषमा दीदी का ज्यादा आना जाना नहीं था। अब घर में राशन का सामान भी खत्म हो चला था, 6 महीने बीतने वाले थे। एक दिन सुषमा दीदी अचानक घर पहुंची, वरुण दीदी को इतना पराया कर दिया कि अपना दुख नहीं बताया। वरुण और निशा सुषमा से नजर नहीं मिला पा रहे थे। मुझसे जितना हो सकता है मैं करूंगी, ये तुम्हारे जीजाजी की दुकान से राशन का सामान लाई हूं, तुम्हारे काम आएगा, इतना कहकर सुषमा चली गई। इधर वरुण नौकरी की तलाश में लगा हुआ था, सुषमा हर महीने राशन का सामान बेच देती। निशा अब कुछ नहीं कहती, उसे अपना बुरा व्यवहार याद आता और वो सुषमा दीदी से माफी मांगती रहती। कुछ महीने बाद वरुण की फिर से नौकरी लग गई, सैलरी पहले जैसी नहीं थी पर नौकरी तो मिल गई, इससे निशा भी खुश थी। आज फिर से रक्षाबंधन का त्योहार था, निशा पहले ही तैयार हो गई, तुमने दीदी को देने के लिए उपहार ले लिया? वरुण ने फिर कहा, दीदी का क्या है, दीदी को तो कुछ भी दे देंगे। नहीं वरुण, मुझे माफ कर दो, दीदी को और उनके प्यार को मैं पहचान नहीं पाई, दीदी ने बुरे वक्त में हमारी सहायता की थी, तो मुझसे वादा करो कि दीदी का एक एक पैसा वापस कर दोगे। मैं जीजाजी के काम को, उनके किराने की दुकान को कितना छोटा समझती थी, पर पूरे साल उन्होंने ही हमारा और बच्चों का ख्याल रखा। मैं कल ही दीदी के लिए बहुत सुंदर साड़ी बाजार से लेकर आई हूँ, उन्हें जरूर पसंद आएगी। राखी का त्योहार साल में एक ही बार आता है, मनपसंद उपहार पर हर बहन का अधिकार होता है। वरुण परिवार समेत राखी पर पहुंचा, सुषमा दीदी ने हमेशा की तरह स्वागत किया। इस बार निशा रसोई में भी मदद के लिए गई और हंसकर भी बात की। वरुण ने राखी बंधवाई, निशा ने भी सुंदर सी साड़ी दी और बोली, दीदी आपको ये साड़ी पसंद आई? तुम्हारी दी हुई हर साड़ी मुझे बहुत पसंद आती है, मैं उसे जरूर पहनती हूँ। सुषमा ने हमेशा की तरह मुस्कुरा कर कहा। वरुण ने अपने हस्ताक्षर करके दीदी को कुछ धनराशि का चेक दे दिया। वरुण इसके कोई जरूरत नहीं है, सुषमा दीदी ने कहा। दीदी आपको ये रखना ही होगा, निशा ने विनती की और बोली, आपके आशीर्वाद से वरुण को फिर से नौकरी मिल गई। सुषमा दीदी को इस बात की खुशी थी, इस राखी पर भाई का ही नहीं बल्कि भाभी निशा का भी प्यार मिल गया। और तभी सुषमा दीदी बोल पड़ी कि सबसे अलग है भैया मेरा, सबसे प्यारा है भैया मेरा, कौन कहता है खुशियाँ ही सब होती है जहाँ में, मेरे लिए तो खुशियों से भी अनमोल है भैया मेरा। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।